दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब तक हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन और प्लांट की स्ट्रक्चर एक दूसरे से काफी डिफरेंट होती है, इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होता है एक दूसरे से काफी डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लांट में किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होना होता है। तो प्लांट में फूड का, वाटर का और मिनरल्स का, इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होना होता है, ठीक है ना। अब क्योंकि प्लांट की स्ट्रक्चर हमसे अलग है, यानी कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन के लिए हार्ट, ब्लड, वीन्स, आर्टरीज नहीं है, तो उनका सिस्टम हमसे बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए प्लांट में क्या होता है, दो स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल या वास्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं, वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो इन प्लांट्स द ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाई कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड या नेम इज या नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। पादपों में परिवहन जो है वह जाइलम और फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। अब ये जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से काफी अलग होते हैं और इनका फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जाइलम जो होता है वो प्लांट में वाटर का कंडक्ट करता है, और वाटर का कंडक्शन प्लांट में कहां से होता है, रूट से उसकी लीव्स तक या अदर पार्ट्स तक। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से प्लांट्स के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो याद करने का तरीका कैसे, जाइलम यानी कि जा से जाइलम, जा से जल, तो जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से फ्लोएम करता है फूड का ट्रांसपोर्ट। अब फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट में कहां से कहां तक होता है, प्लांट में जो फूड बनता है वो बनता है लीव्स में, और जरूरत क्या होती है उसकी, अदर पार्ट्स को। तो लीव से जब फूड बनता है तो उसको और पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और वो ट्रांसपोर्ट करता है कौन, फ्लोएम। तो फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो फासे फ्लोएम फासे फूड, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, तो और ये कई सारे पार्ट से या कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। तो एक बार इनके कंपोनेंट्स भी चेक कर लेते हैं कि जाइलम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो जाइलम का होता है जाइलम वेसल्स, जाइलम वाहिका बोलते हैं, जाइलम ट्रेकेट्स, जाइलम वाहिका। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें वाटर का ट्रांसपोर्ट होना होता है। जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। पैरेन्काइमा का काम होता है, पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है, और फाइबर्स जो होते हैं जाइलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ताकत देते हैं, ठीक। इसी तरीके से फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब्स होती हैं और कंपेनियन सेल होती है। सीव ट्यूब्स ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होगी जिनमें फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, कंपेनियन सेल उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है फूड की ट्रांसपोर्टेशन में, और पैरेन्काइमा वो ये फूड को स्टोर करता है, और फाइबर जो होते हैं उस फ्लोएम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो अब बात करेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, रूट से, और क्या होता है प्लांट के अदर पार्ट से यानी कि लीव्स तक होता है। अब जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं जो कि सोयल के कॉन्टेक्ट में होती है, जब हम वाटर को जब हम प्लांट को वाटर देते हैं ये इफ बी वेन बी वाटर इन द प्लांट, तो जो वाटर सॉइल के अंदर होता है वो क्या होता है, इन रूट्स के अंदर चली जाती है। तो जो वाटर सबसे पहले ये जो रूट्स की सेल होती है इन्हें क्या बोलेंगे, जो उसकी रूट सेल्स हैं ये सॉइल से क्या करेंगी, आयन गेन करेंगी, आयन्स जो मिनरल्स की फॉर्म, मिनरल्स के आयन्स होते हैं। तो द रूट सेल्स सबसे पहले आयन्स गेन करेंगी, और वो आयन्स क्या हुआ, अब उन आयन्स की जो कंसंट्रेशन है वो रूट्स के अंदर ज़्यादा हो जाएगी और बाहर कम हो जाएगी, तो यानी कि ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए वाटर क्या होगा, इन रूट्स में मूव कर जाएगा। क्या मूव कर जाएगा, व्यापक वाटर मूव कर जाएगा। तो वाटर क्यों मूव करा, टू एलिमिनेट द डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द मिनरल आयन्स, जो आयन्स की जो सांद्रता की जो मात्रा है उनमें जो अंतर आ गया है उसको पूरा करने के लिए वाटर इन रूट्स के अंदर मूव कर जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, नेटवर्क होता है, क्या होता है, नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड ट्रेकेट्स,
वेजल्स और ट्रिकेट्स का नेटवर्क होता है और वो वाटर उस नेटवर्क से होता हुआ ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। और जब जब वाटर रूट से अंदर जाता है जिस प्रेशर से वो जाता है उस प्रेशर को बोलते हैं रूट प्रेशर, जो वाटर को ऊपर बढ़ने में मदद करती है। और एक कॉलम क्रिएट होता है जिससे वाटर लगातार ऊपर चढ़ने लग जाता है और वाटर ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन ये जो रूट प्रेशर की जो बात हो रही है ये केवल उन्हीं प्लांट में इफेक्टिव होगा जिनकी हाइट कम होती है। अब आप क्या समझ रहे हो कि ये प्रेशर इतना इनफ होगा? जो बहुत बड़े प्लांट होंगे क्या वो हर पार्ट्स तक उस पानी को उस वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देगा? नहीं, तो रूट प्रेशर उस केस में इनफ नहीं होता। तो यानी कि जो ज़्यादा हाइट वाले प्लांट होते हैं उनमें ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, क्योंकि प्लांट में सबमर्सिबल की मोटर तो लगनी थी या मोटर लग रही, मोटर चलाई पानी ऊपर चढ़ गया, ऐसा नहीं होता। तो प्लांट एक दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, उस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। पत्तियों के स्टोमेटा से पानी का भाप के रूप में निकलना क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और वो ट्रांसपिरेशन हेल्प कर एक सक्शन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एक सक्शन क्रिएट करता है, उस सक्शन की वजह से वो वाटर लगातार ऊपर चढ़ता रहता है। फॉर एग्जांपल आप एक बाल्टी में पानी लो, आप उसमें पाइप डाल के सक करके छोड़ दो, तो क्या होगा? एक प्रेशर क्रिएट होगा, पानी अपना बाहर रहेगा सर। तो वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी होती है, एक सक्शन क्रिएट हो जाता है जिससे वाटर बड़े बड़े हाइट या ज्यादा ज्यादा हाइट वाले प्लांट में भी वाटर ऊपर तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट के अंदर कितनी स्ट्रेटेजी होगी? एक रूट प्रेशर हो गया और एक ट्रांसपिरेशन हो गया, ठीक है ना। तो एक बार हम देख समझ आ गया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो जो वाटर होता है सोयल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो पहले इन रूट की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर आयंस जाते हैं। अब आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो इनके अंदर ज़्यादा हो जाती है और पानी के बाहर जो होती है वो कम हो जाती है, तो इस यानी कि सोयल के अंदर। और इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए वाटर रूट्स में मूव कर जाता है। और यहाँ पर होता है नेटवर्क इसका, इन ट्यूब्स का, जाइलम के पाइप का या ट्यूब का, वेजल्स और ट्रेकेट्स का। और फिर वेजल और ट्रेकेट्स से आपको एक कॉलम क्रिएट होता है और वेजल्स के थ्रू वो प्लांट में जहाँ पर उसकी नीड होती है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन रूट प्रेशर की जो स्ट्रेटेजी है वो केवल छोटे या ड्वार्फ प्लांट में ही काम करती है। बट जब प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो वहां पर भी प्लांट एक दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, उस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यानी कि द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर। और वो ट्रांसपिरेशन एक सेक्शन क्रिएट करता है जिससे वाटर लगातार ऊपर की ओर खींचने लगता है और वो एक ज्यादा हाइट तक भी वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो तो हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड समझने से पहले एक बार आप इस मैकेनिज्म ऑफ जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसके एक बार नोट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको ये जो पूरा समझाया था ना, ये इसके बारे में लिखा हुआ है सारा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम बात करेंगे इसकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की। तो अब टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। भोजन का परिवहन, तो प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? बाय फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। और फ्लोएम के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या है? सीव ट्यूब्स हैं। तो पहले जो फूड जो लीव्स में बनता है उसको ट्रांसपोर्ट किस में आता है? फ्लोएम की सीव ट्यूब्स में, ठीक है ना। तो लेकिन अच्छा, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की जरूरत नहीं थी वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, बट बस फिजिकल फोर्सेस थी, जैसे कि रूट प्रेशर और जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सक्शन पुल था वो हेल्प कर रहा था। यानी कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, इसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसलिए इसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना।
तो सबसे पहले फूड को, जैसे मान लो प्लांट बना देता हूँ का पार्ट, ये मान लो फ्लोएम है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस फ्लोएम के अंदर मान लो ये लीव है, यहां पर फूड है, तो इस फूड को इस फ्लोएम में भेजा जाएगा पहले, ठीक है ना, कंपेनियन सेल की हेल्प से भेजा जाएगा, और उसमें क्या होगा, रिक्वायर एनर्जी, जिसको क्या जरूरत होगी, ये जो फूड होगा इसको यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्लोएम के अंदर, रिक्वायर एनर्जी, जिसको किसकी जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी एटीपी की फॉर्म में, ठीक है ना। फिर वो जो फूड फ्लोएम में आ जाएगा, अब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मूव करेगा, वाटर मूव्स इनटू फ्लोएम यानी कि सीव ट्यूब्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कौन से प्रोसेस के थ्रू एंटर करता है वाटर, ऑस्मोसिस, पराश्रय विधि के द्वारा वाटर एंटर करता है, जिसमें फ्लोएम के अंदर, और जब वाटर इसके अंदर मूव करता है तो वाटर उस फूड को अपने अंदर डिजोल्व करके जहां उसकी जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस तरीके से प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक बार आप इसके नोट्स देख लेते हैं, तो हमारी हेडिंग क्या रहेगी, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। हाँ, तो यह है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो सबसे पहले फूड यानी कि ग्लूकोज या सुक्रोज की फॉर्म में होता है, ट्रांसफर टू फ्लोएम बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले जो फूड होगा फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में ट्रांसपोर्ट होगा, सॉरी ट्रांसफर होगा, और इस ट्रांसफर के लिए क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या, वाटर मूव्स इनटू द फ्लोएम, वाटर फ्लोएम में एंटर कर जाएगा सीव ट्यूब्स में ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और फिर वाटर उस फूड को अंदर डिजॉल्व कर लेगा, और फिर उस फूड को लेकर ट्रांसपोर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। फॉर एग्जाम्पल, जब प्लांट की स्टोरेज होनी होती है तो प्लांट जो ये वाटर होगा इस फूड को कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टेम में, रूट में, ठीक है ना। लेकिन जब आता है स्प्रिंग सीजन, बरसात के मौसम में जब प्लांट को बर्ड्स बनानी होती है, तब इस फूड का मूवमेंट अपोजिट हो जाता है। अब फूड का मूवमेंट क्या होगा, और पार्ट से क्या होगा, लीव्स की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है, वो डिपेंड करता है प्लांट की नीड पर कि वाटर को प्लांट को और वाटर को फूड को कहाँ मूव कराना है, ठीक है ना। तो स्प्रिंग सीजन में ये यूजली अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लांट के अंदर वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और है, वो है ट्रांसलोकेशन। ये जब फूड का मूवमेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होता है तो उस मेथड को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट या लीव्स टू अनदर पार्ट, ठीक है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम और फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। सेकंड डिफरेंस है कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए फिजिकल फोर्सेस की जरूरत होती है, किसी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जबकि फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है यानी कि रूट से लीव्स तक अपवर्ड मूवमेंट होता है, जबकि फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है यानी कि प्लांट के अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के डिफरेंस का, ठीक है। तो आज हमने समझा कि फूड का प्लांट के अंदर फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो आज के लिए इतना करते हैं।